हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का लेक स्टडी यूट्यूब चैनल पर। बच्चों यदि आप लोग वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराते प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए जिससे आने वाली हर वीडियो को आप समय पर देख पाए या समय पर आपके पास वीडियो पहुंच पाए। बच्चों आज हम लेकर 12वीं क्लास का गणित, जिसमें आज हम कवर करने वाले हैं आव्यूह का। हमने एक पार्ट बना दिया है, यदि आप लोगों ने नहीं देखा तो यूट्यूब पर जाकर पहले उसको देख लीजिए, तब आपको ये सेकंड पार्ट तभी बेहतर तरीके से समझ में आएगा। आइए चलते हैं आव्यूह के। हमने कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर लिया है और हम सॉल्व करेंगे उनको। उम्मीद करूंगा कि आपको इसका सॉल्यूशन समझ में जरूर आएगा। यदि आपको सॉल्यूशन समझ में आए तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट देना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आइए क्वेश्चंस में कुछ इस तरह से कहा गया है कि एक आव्यूह ए आई जे 2×2 की रचना कीजिए, जहां ए आई जे बराबर आई प्लस 2 जे दे रखा है। तो बच्चों हमें यहाँ पर जो दिया है हम उसको ले लेते हैं पहले, और यहाँ से दिया क्या है ये देख लेते हैं। बच्चों इस क्वेश्चन में दिया है कि जो ए दे रखा है हमें, यहां पर सबसे पहले दे रखा कि ए आई और जे, ए आई जी 2×2 का दे रखा, ये बात उसने कही है। हमें 2×2 का मतलब ये है कि हमें वर्ग आव्यूह बनाना है 2×2 का, जिसमें एलिमेंट 4 होने चाहिए। जहां उसने दे रखा है आई जी की वैल्यू दे रखी है उसने, तो आई जी की वैल्यू निकाल लेते हैं बच्चों हम। तो आई जी की जो वैल्यू निकालेंगे तो बच्चों यहां से हो जाए, जैसे ए आई जे बराबर दे रखा आई प्लस 2 जे। यहां पर उसने कहा कि आई की वैल्यूज 1 रखना है, तो जे की वैल्यूज भी कितनी पुट करनी है इसमें, 1 ही रखनी है, क्योंकि हमें पहले पार्ट में निकालना है 1 1, मतलब ए 11 निकालना है, फिर ए 12 निकालना है, फिर ए 13 और ए 14 निकालना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें यहाँ पर देख लेना है इसको। तो सबसे पहले अगर हम देखना है कि ए 1 1 रखते हैं, मतलब इसके स्थान पर आई के 1 और जे के स्थान पर भी 1 रख लेंगे, तो यहाँ पर कितना होगा बच्चों 1+2×1 हो जाएगा। कहने का मतलब 1+ कितना हो जाएगा 2, अर्थात कितना आ जाएगा ये 3 आ जाएगा, मतलब आई 11 की वैल्यूज कितनी आएगी 3 होगी। ठीक है, यहां तक आपको कोई समस्या नहीं है। उसके बाद अगर हमें निकालना है कि ए 2 2, मतलब ए वाइज अगर हमें निकालना है, तो बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 रखेंगे इसके आई के स्थान पर और 2×2, मतलब जे के स्थान पर भी 2 रखेंगे। तो किसका मतलब, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 2+ कितना हो गया 2×2 4, और 2×2 4 को जब हम इसको ऐड कर लेंगे तो बच्चों यहां से कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। मतलब इसकी अगर हम बात करें तो ए वाइज जो आ जाएगा वो 6 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसके बाद निकाल लेते हैं, ए 11 हो गया हमारा और ए 12 निकालना है, ए 22 और ए 21 निकालना है। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। मैं अब यहां से निकाल देता हूं इधर को कि ए हमें 13 ए 12 निकालना है। कहने का मतलब है कि आई के स्थान पर अब 1 रखना है और जे के स्थान पर कितना रखना है 2 रखना है इस वाले पॉइंट में। तो यहां से कितना हो जाएगा 1+2×2, और जब इसको हम करेंगे तो सॉल्व भी कितना 2×2 4, इसका मतलब कितना हो जाएगा 5, मतलब ए 12 है कितना जाएगा हमारा 5 आ जाएगा। अगर आई इजिकल टू हम रख लें कितना 2 और जे इजिकल टू कितना रख लें 1, इसी वाले पॉइंट में रखेंगे हम। तो यहां से बच्चों ये हो जाएगा 2×1, इसका मतलब 21 निकालना है, तो 2+ कितना होगा 2×1 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 और इंटू इसके स्थान पर 1 रख दिया, तो ये हो जाएगा 21 निकल जाएगा, और यहाँ से कितना 2×2 2, कहने का मतलब यहाँ से कितना जाएगा बच्चों 4 आ जाएगा, मतलब ए 21 की वैल्यूज कितनी आएगी 4 आ गई। हमें प्राप्त क्या करना है, हमें ए आई जे 2×2 की रचना करनी है, मतलब एक ऐसा आव्यूह हमें प्राप्त करना है, उसकी रचना करनी है जो 2×2 का हो, मतलब वर्ग आव्यूह हो जिसमें एलिमेंट 4 होने चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर बोर्ड को फिनिश कर देता हूँ, या फिर यहाँ देख लेते हैं बच्चों इधर को, मुझे ए निकालना है और ए जे दे रखा है, और ए का मतलब यह हुआ कि ए 11 और ए हो गया 12, क्योंकि 2×2 का मतलब क्या होगा कि हमारी पंक्ति भी 2 होंगी और स्तंभ भी क्या होंगे 2 होंगे, मतलब रो और कॉलम हमारे क्या होंगे दोनों इक्वल होंगे। तो यहाँ पर ए 21 होगा और यहाँ पर ए कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। कहने का मतलब ये 4 एलिमेंट जो होंगे जिसको 2×2 का एलिमेंट का नाम दिया जाएगा। ठीक है, अब ए 11 का मान हमारे पास, ए 12 का, ए 21 का और ए 22 का मान दे रखा, तो बच्चों हम इसकी वैल्यू यहाँ पर लगा देंगे, तो इसकी जो वैल्यूज दे रखी है वो इसकी वैल्यूज जो अभी मैंने निकाली है 3 है, और ये कितनी है 12 की 5, और 21 की कितनी आएगी 4 आई है, और 22 की कितनी आई है 6 आई है बच्चों। तो हमारे पास ये क्या है एक मतलब यहाँ पर एक आव्यूह निकल के आया है जो 2×2 का है बच्चों, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा आपको इसका सोल्यूशन जरूर समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स देकर रिप्लाई देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। आइए चलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नंबर 2 है x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए।
तो बच्चों यहाँ पर दे रखा है कि 3, x और y, ये दे रखा आपका मान। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लेते हैं। इसमें 3x, 4 और y दे रखा और यहाँ से दे रखा 2 × 1.5 1 and z × 1 दे रखा है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम जब इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, जब सॉल्व इसको करेंगे हम, तो यहाँ पर एक काम करना होगा। क्या करना होगा, 3x को ऐसे रहने देंगे, 4y को भी ऐसे रहने देंगे। लेकिन इस वाले पार्ट में क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई इसका अंदर कर लेंगे पहले। तो जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इसको ये देख लेते हैं। इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे तो कितना 3.0 हो जाएगा। आप इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे तो 2 आ जाएगा। जब आप इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे 2z आएगा। आप जब इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं, x y z की वैल्यूज को हमसे फाइंड कराया है, तो हम क्या करेंगे, कंपैरिजन कर लेंगे। यहाँ पर क्या कर लेंगे, कंपैरिजन या कंपेयरिंग कर लेंगे इसको। ठीक है, इधर से बोथ साइड कंपेयरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू यहाँ से देखेंगे कितनी आ जाएगी, 2। भाई x की वैल्यू ये वाली होगी 2। इसी प्रकार अगर हम y की वैल्यू की बात करें तो y की वैल्यू कौन सी हो जाएगी, ये y की वैल्यू इसकी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। लेकिन z की वैल्यू की बात कर लेते हैं तो 2z किसके इक्वल होगा, 2z इसके है 4 के। आप इसको कैंसिल आउट कर लेंगे 2 बार, तो जेड की वैल्यूज कितनी आएगी बच्चे, 2 आ जाएगी। मतलब इसका मान भी कितना आया, 2 आया है। मैं उम्मीद करूंगा आप इसे सॉल्यूशन जरूर समझ में आ रहे होंगे। तो आप कमेंट्स देते रहे मुझे, जिससे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं बेहतर से बेहतर क्वेश्चंस आपके बीच में लेके उपस्थित हूं और समझाने की कोशिश करूं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस पर देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस में कहा गया कि निम्नलिखित समीकरण से एक्स कॉमा वाई तथा जेड के मान ज्ञात कीजिए। मतलब जो क्वेश्चंस दे रखा है उसमें हमें एक्स वाई जेड की वैल्यूज हैं सब फाइंड करनी है। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग जो है क्वेश्चंस को समझ पा रहे होंगे, मेरी बात को आप समझ पा रहे होंगे। हम क्वेश्चंस को उठा लेते हैं। क्वेश्चंस में दिया गया है कुछ इस तरीके से कि आप यू एक्स प्लस एक्स माइनस का एक्स प्लस वाई प्लस का जेड और नेक्स्ट दे रखा एक्स माइनस का वाई और प्लस का जेड। इसी तरीके से हमें दे रखा है इसने एक्स प्लस वाई और माइनस का जेड और इक्वल जो दे रखा है यहाँ से इक्वल दे रखा 1, 2 and 3 दे रखा है। ठीक है, ये दे रखा। अब हम इसमें क्या कर लेंगे बच्चों, डायरेक्टली कंपैरिजन कराएंगे दोनों साइड में। इसमें कहने का मतलब हुआ x प्लस वाई और प्लस जेड जो होगा, जब सॉल्यूशन इसका आप लेंगे यहाँ से तो एक्स प्लस वाई माइनस का एक्स प्लस वाई प्लस जेड इसी कर 1 के। ठीक है, समीकरण नंबर 1 हो जाएगी। इसी प्रकार हम इसको देखेंगे एक्स माइनस का वाई और प्लस का जेड इसीकल टू कितने, 2 के। समीकरण नंबर 2 होगी बच्चों। इसमें इस वाले पार्ट को आप कैंसिल कर सकते हैं, इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, जोड़ने पर, तो जब आप इसका कैंसिल आउट कर देंगे जोड़ने पर तो यहां से कितना बचेगा, 1z और 1z कितने और 2z हो जाएगा और यहां से 1 और 2 कितने आएगा, 3। आप z की वैल्यूज निकालेंगे तो 3/2 निकल के आ जाएगी। z की वैल्यूज कितनी आएगी, 3/2 निकल के आ जाएगी बच्चों। इसी प्रकार हम क्या कर लेते हैं कि इस वाले वैल्यूज को हम देख लेते हैं कि x प्लस y और माइनस का z, माइनस का z किसके इक्वल है, 3 के। समीकरण नंबर मान लेते हैं इसको 3। 3 और 2 को हम सॉल्व कर लेते हैं। 3/2 को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का वाई प्लस का जेड बराबर किसके हो जाएगा बच्चों, 2 के। ये 2 थी समीकरण। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे और जोड़ने पर अगर हम देखें इसको तो बच्चों ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल है, ऐसा बचा 2x। कितना बचा, 2x बचा और 2x किसके हो जाएगा, 5 के। यदि x की वैल्यू निकाले यहाँ से 5/2 निकल के आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/2 निकल के आ जाएगी। ठीक है, आपको ये सॉल्यूशन यहाँ तो समझ में आया होगा। मतलब x की वैल्यू 5/2 मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपको यहाँ नहीं दिखाई दे इसको। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट और नेक्स्ट पार्ट में क्या है, क्योंकि इसने पूछा एक्स जेड का मान तो निकल गया, एक्स का मान निकल गया, वाई की वैल्यू निकालनी है तो वाई इसकी वैल्यू कहीं भी यहाँ पुट कर देते हैं। ठीक है, वाई की वैल्यू मगर यहाँ पर रख देता हूं, एक्स कोमा जेड का मान, समीकरण किस में रख देते हैं, 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर तो रखने पर यहाँ पर देखेंगे, जब यहाँ रखेंगे माइनस का कितना, 3/5/2 यहाँ पर रखा मैंने 5/2 और प्लस यहाँ पर कितने रखा, 3/2 ये बाई ऐसे रहने देंगे, जेड का मान 3/2 आया है और बराबर इसको होगा 1 के। जेड का मान 3/2 है, हम देखेंगे हर समान आंसर जोड़ देंगे तो आप 5 में से 3 कम करेंगे तो माइनस का 2 बचेगा बटे में 2 प्लस वाई बराबर 1 के। आप क्या करेंगे, 2 से 2 कैंसिल काटेंगे, 1 प्लस का वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 के। या वाई की बात करेंगे तो 1 + 1 हो जाएगा या वाई इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 2। आपको ये सॉल्यूशन यहाँ तक समझ में जरूर आया होगा। ये वीडियो
मैं आपको सोलह सत्र समझ में आया है तो बच्चों वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स देकर रिप्लाई देना बिल्कुल ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस में क्या कहा गया है उसको समझते हैं और सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस में कुछ इस तरह से कहा गया है कि यदि a बराबर cos 2 अल्फा sin 2 अल्फा cos अल्फा sin अल्फा तथा b इज इक्वल टू, उसने दे रखा है कि sin स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा cos अल्फा और sin अल्फा दे रखा है, तो ये कह रहा है कि a प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर a प्लस बी की वैल्यूज फाइंड करनी है, तो बच्चों हम सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। क्या दिया रखा हमें, हमें दे रखा कि a बराबर जो देखा उसने वो दे रखा है cos 2 अल्फा और sin 2 अल्फा, cos अल्फा sin अल्फा ये हमें दिया है। और b बराबर भी दे रखा उसने, b बराबर दे रखा cos स्क्वायर अल्फा और sin स्क्वायर अल्फा, नहीं बच्चों ये दे रखा है यहाँ पर साइन स्क्वायर अल्फा और ये दे रखा कोस स्क्वायर अल्फा, ये दे रखा हमारा कोस अल्फा और ये दे रखा साइन अल्फा। ठीक है, यहां तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ना कोई समस्या होनी चाहिए। ठीक है, हमें ए प्लस बी पूछा है तो सोल्यूशन हम जब निकालेंगे इसको तो ए प्लस बी देख लेते हैं। तो ए प्लस बी में क्या करना पड़ेगा, ए की वैल्यू उसको नहीं लगाना कोस टू अल्फा और साइन की वैल्यू लगानी है साइन टू अल्फा और कोस अल्फा और साइन अल्फा। ठीक, और प्लस बी के स्थान पर लगाएंगे, बी के स्थान पर वाली वैल्यू लगा देते हैं साइन स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा कोस अल्फा एंड साइन अल्फा। ठीक है, ये वन इसका हो जाएगा। अब हम क्या कर लेते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं कोस टू अल्फा में, ये वाला पार्ट ऐड करेंगे तो बच्चों यहां से कितना बचेगा कोस टू अल्फा प्लस साइन साइन स्क्वायर अल्फा, यहां से जाओ साइन टू अल्फा, इस वाले पार्ट को इसके साथ जोड़ देंगे प्लस कोस स्क्वायर अल्फा, यहां से कितना बचेगा कोस अल्फा एंड प्लस ये वाला कोस अल्फा, ये वाला जोड़ेंगे इसको साइन अल्फा और ये भी प्लस क्या हो जाएगा साइन अल्फा। ठीक है, यहां तक आपको ये बात समझ में आई होगी। हम क्या कर लेते हैं, इसका फॉर्मूला खोल देते हैं, वन माइनस का टू साइन स्क्वायर अल्फा और प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, यहां से इसको देख लेते हैं, इसका फॉर्मूला खोल लेते हैं यहां से। यदि आप इसका फॉर्मूला यहां से खोलेंगे तो ये हो जाएगा टू साइन अल्फा और कोस अल्फा, टू साइन अल्फा कोस अल्फा हो जाएगा साइन टू अल्फा कोस अल्फा, तो ऐसे रहने देंगे बच्चों। यहां से जाएगा टू कोस अल्फा और ये कितना जाएगा टू साइन अल्फा। यहां तक आपको ये बात क्लियरली समझ में आई होगी। यहां से हम देखते हैं कि इसको मैं बोर्ड को फिनिश कर देता हूं यहां से। देखते हैं इसको, तो यहां से कितना बचा, यहां से बच्चों बना वन माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, यहां से वन माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बचा क्योंकि इसमें से एक घटा दिया हमने, और इसको हम क्या कर सकते हैं, ये हो जाएगा टू साइन अल्फा और कोस अल्फा और प्लस का चल रहा है यहां से कोस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, और यहां से टू कोस अल्फा और यहां से बना टू साइन अल्फा। ठीक है, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसको देखेंगे तो इसको हम कर सकते हैं कोस स्क्वायर अल्फा क्योंकि चेंज हो जाएगा और टू साइन अल्फा यहां से कॉमन ले लेंगे हम कितना कोस अल्फा, जब कोस अल्फा कॉमन लेंगे तो बचा टू साइन अल्फा एंड प्लस कोस अल्फा और यहां से चल रहा टू कोस अल्फा और बच्चों यहां से कितना बचेगा टू साइन अल्फा, यहां तक ये बना होगा। आप इसको यही छोड़ देंगे और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको इसका सोल्यूशन समझ में जरूर आया होगा। यदि सोल्यूशन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स देकर रिप्लाई देना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा चाहूंगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।